राजधानी दिल्ली में आप नेता दुर्गेश पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने एलजी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजधानी में लगातार कानून व्यवस्था ध्वस्त होती जा रही है। सैकड़ों की संख्या में चोरी से लेकर स्नैचिंग और हत्या और बलात्कार के मामले बढ़ रहे हैं। दिल्ली के एलजी सिर्फ दिल्ली सरकार के कामों में दखल दे रहे हैं। पाठक ने कहा कि एलजी दिल्ली में कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में असमर्थ है। एलजी सरकार के कामों को रोक कर राजनीति कर रहे हैं। एक तरफ एलजी साहब का जो काम है कि दिल्ली पुलिस को सुधारना, सोई हुई दिल्ली पुलिस को जगाना और दिल्ली के लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, दिल्ली जो एक क्राइम सिटी बनती चली जा रही है उसके ऊपर निगरानी रखकर उसको ठीक करने के बजाय एलजी साहब बिजी हैं अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को परेशान करने में, इंटरफेयर करने में, उनको काम ना कर पाए इस चीजों में बिजी हैं। मैं एलजी साहब से पूछना चाहता हूं कि अब तक आपने जितने भी केसेस हुए दिल्ली के अंदर उसके ऊपर एक भी कोई भी कंक्रीट स्टेप लेने की कोशिश की क्या आपने?